तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 6 देखने वाले हैं और इसमें जितने भी इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है 51 क्वेश्चन अगर बात करें, व्हाट एक्सेस मॉडिफायर कैन बी यूज फॉर क्लासेस, तो क्लासेस के लिए कौन से एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हैं। तो हमारे पास दो एक्सेस मॉडिफायर होता है, एक पब्लिक होता है और एक डिफॉल्ट होता है। तो इससे पहले दोस्तों आपको जो है पब्लिक, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट सारी चीज़ें मैंने समझा दी थी। तो अगर क्लास की बात करें तो हम लोग पब्लिक और डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हैं। तो पब्लिक, व्हेन अ क्लास इज डिक्लेयर्ड एज पब्लिक इट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी अदर क्लासेस इन द सेम प्रोग्राम और फ्रॉम अदर प्रोग्राम, दिस मीन्स दैट द क्लास इज विजिबल टू ऑल क्लासेस रिगार्डलेस ऑफ देयर पैकेज। और डिफॉल्ट मॉडिफायर की बात करें, अगर कोई भी मॉडिफायर आपने नहीं लगाया दैट मीन्स यहाँ पे आपका डिफॉल्ट मॉडिफायर यूज होगा। और यहाँ पे हम लोग जो है प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट जो है यूज नहीं करते विद द टॉप लेवल क्लासेस के लिए। तो ये भी इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लास के लिए कौन सा एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे 52 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे फाइनल एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। तो फाइनल एक्सेस मॉडिफायर आप जो है क्लास के साथ यूज कर सकते हैं और आप जो है मेथड के साथ यूज कर सकते हैं, और अगर बात करें तो यहाँ पे वेरिएबल के साथ भी यूज करते हैं। अगर आपने वेरिएबल को फाइनल बना दिया, सपोज यहाँ पे देखिए दोस्तों फाइनल इंट मैक्स वैल्यू 100 है, तो अगर आपने इसको फाइनल बना दिया तो आप जो है इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। और अगर आपने फाइनल मेथड बना दिया तो यहाँ पे जो है सब क्लास में जो है आप इस मेथड को एक्सटेंड नहीं कर सकते या फिर ओवरराइड नहीं कर सकते हो फाइनल मेथड को। द फाइनल मॉडिफायर इंडिकेट दैट द मेथड कैन नॉट बी ओवरराइडन बाय सब क्लास। और अगर आपने फाइनल क्लास बना दिया तो यहां पे आप इसे एक्सटेंड नहीं कर सकते, अदरवाइज कंपाइलेशन एरर देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये फाइनल एक्सेस मॉडिफायर समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहां पे 53 क्वेश्चन है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है जावा में। सम टाइम्स वी मे कम अक्रॉस अ सिचुएशन वेयर वी कैन नॉट प्रोवाइड इंप्लीमेंटेशन टू ऑल द मेथड इन अ सब क्लास। तो दोस्तों होता क्या है, कभी कभी क्लास के अंदर जितने भी मेथड होता है हमें जरूरत नहीं पड़ती कि सारे मेथड के अंदर आप जो है इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करिए। तो हम क्या करते हैं, जनरली हम एक यहां पे जो है चाइल्ड क्लास बनाते हैं और चाइल्ड क्लास के अंदर हम क्या करते हैं इंप्लीमेंटेशन देते हैं वही मेथड का जो हमारे पास यहाँ पे होता है। तो अगर देखेंगे वी वॉन्ट टू लीव द इम्प्लीमेंटेशन टू अ क्लास दैट एक्सटेंड इट, इन सच केसेस वी डिक्लेयर्ड अ क्लास एज एब्स्ट्रैक्ट। तो हम क्या करते हैं, जब हमें बहुत ज़्यादा मेथड की इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती तो उस समय हम लोग क्या करते हैं उस क्लास को हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं। टू मेक अ क्लास एब्स्ट्रैक्ट वी मे यूज द कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट एनी क्लास दैट कंटेन्स वन और मोर। तो टू मेक अ क्लास एब्स्ट्रैक्ट वी में यूज कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट यूज करते हैं, एनी क्लास दैट कंटेन्स वन और मोर एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अगर कोई क्लास जो एक या एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पे होता है कंटेन करता है तो उसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। इफ वी डोंट डिक्लेयर क्लास एज एब्स्ट्रैक्ट विच कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड वी गेट कंपाइलेशन एरर। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे आपने क्लास बनाया और इस क्लास के अंदर आपने जो है मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाया बट आपने क्लास को एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाया तो ये एक कंपाइलेशन एरर आपको देखने को मिलेगी। और जैसे कैसे बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास फिर क्लास का नाम। तो होता क्या है, जनरली सपोज यहाँ पे व्हीकल है, ठीक है, अगर आपने कोई क्लास व्हीकल बनाया और इसके अंदर दोस्तों यहां पे टू व्हीलर होगा और यहाँ पे फोर व्हीलर होगा, अलग अलग होगा, और आपने कोई क्लास यहाँ पे व्हीकल यहाँ पे बाइक बनाया और आपने जो है इसे एक्सटेंड कर लिया और आपने टू व्हीलर, जैसे बाइक यहाँ पे टू व्हीलर है तो यहाँ पे ये टू व्हीलर की जो प्रॉपर्टी है वो आपने इसी में जो है इम्प्लीमेंटेशन यूज कर लिया। ठीक है, इस हिसाब से जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल इफ वी टेक अ व्हीकल क्लास वी कैन नॉट प्रोवाइड इंप्लीमेंटेशन टू इट बिकॉज देयर मे बी टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर एट द मोमेंट वी मेक व्हीकल क्लास एब्स्ट्रैक्ट। ऑल द कॉमन फीचर ऑफ व्हीकल आर डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन व्हीकल क्लास। एनी क्लास विच एक्सटेंड व्हीकल विल प्रोवाइड इट्स मेथड इंप्लीमेंटेशन, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सब क्लास टू प्रोवाइड द इंप्लीमेंटेशन। मतलब कि जो सब क्लास होता है उसे इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है हम लोग यूज करते हैं। और इंपॉर्टेंट फीचर की बात करें एब्स्ट्रैक्ट क्लास के, तो दोस्तों यहां पे 0 to 100% जो है आप एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इंटरफेस के थ्रू जो है आप 100% यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन अचीव किया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इनिशिएटेड, मतलब आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। और कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, कंक्रीट मेथड या फिर दोनों कंटेन करता है। थर्ड पॉइंट ये है, एनी क्लास विच एक्सटेंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट ओवरराइड ऑल मेथड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, सारे मेथड को आपको ओवरराइड करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट ये है, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन कंटेन आइदर जीरो और मोर एब्स्ट्रैक्ट मेथड, या फिर एक भी नहीं या फिर जो है आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है।
ठीक है। तो आई होप आपको ये 53 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, जिसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन डिटेल हाइड करके रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 54th क्वेश्चन है, कैन वी क्रिएट कंस्ट्रक्टर इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने जो है इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकते तो इस कंस्ट्रक्टर का कोई काम ही नहीं है। तो वी कैन क्रिएट कंस्ट्रक्टर इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इट डजेंट गिव एनी कंपाइलेशन एरर, बट वेन वी कैन नॉट इनिशिएट क्लास देर इज नो यूज इन क्रिएटिंग अ कंस्ट्रक्टर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे 55 क्वेश्चन है, वॉट आर एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन जावा। जावा के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज द method which doesn't have any body, कोई body नहीं होता। abstract method is declared with keyword abstract and semicolon in place of method body। जैसे कि आप यहाँ पे public abstract void get details और आपने यहाँ पे semicolon लगा दिया, तो ऐसे हम लोग create करते हैं और इसके अंदर कोई भी body नहीं होता। it is the responsibility of subclass to provide implementation to abstract method defined in the abstract class। तो यहाँ पे जो subclass होता है उसे जो है implementation provide करना होता है, ठीक है। दोस्तों अब यहाँ पे 57 क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय टाइप कास्टिंग। तो दोस्तों यहाँ पे दो तरीके की टाइप कास्टिंग होती है, इम्प्लिसिट कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। और यहाँ पे अगर देखेंगे इंट वैल्यू हमने 10 लिया, डबल डबल वैल्यू इक्वल टू इंट वैल्यू हमने 10 कर दिया, तो ये एक इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो गया। इम्प्लिसिट कास्टिंग अगर व्हेन यू असाइन अ वैल्यू ऑफ अ स्मॉलर डेटा टाइप टू अ वेरिएबल ऑफ अ लार्जर डेटा टाइप। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे डबल जो है लार्जर डेटा टाइप है, तो हमने क्या किया, लार्जर डेटा टाइप के अंदर ये स्मॉलर वाला डेटा टाइप डाल दिया। और एक होता है एक्सप्लिसिट कास्टिंग, इसमें क्या होता है हमें मैनुअली जो है कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे डबल हमारा 10.5 है, तो अगर इसे हमें इंट में कन्वर्ट करना है तो int आपको explicit देना पड़ेगा और फिर यहाँ पे आपका जो है टाइप कास्टिंग होगी, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे 58th क्वेश्चन है, डेटा टाइप जावा के अंदर क्या होता है। तो जावा के अंदर दोस्तों डेटा टाइप दो तरीके का होता है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है और एक हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बोलियन, कैर, ये सारे हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि कितना बिट होता है हमारा, जैसे बाइट हमारा 8 बिट इंटीजर डेटा होता है, यहाँ पे आप रेंज भी दी गई है, तो जैसे बाइट की है, शॉर्ट की है, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर और बोलियन। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात करें, जैसे हमारे पास स्ट्रिंग है, एरे है और क्लासेस है, ये सारे हमारे जो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे 59th क्वेश्चन है कि डॉट जावा फाइल नेम अ वैलिड सोर्स फाइल नेम है। यस, Java allows to save our file by .java only. We need to compile it by Java C .java and run by Java class name. तो ऐसे करके हम लोग जो है यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है save by .java only, ठीक है, क्लास है पब्लिक स्टैटिक void main hello java, compile by Java C .java और run by जो है जावा ए, आपको क्लास नेम का देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करके जो है आप एम्प्टी डॉट जावा फाइल जो है वैलिड सोर्स फाइल नाम है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट, इस आउटपुट क्या होगा जावा प्रोग्राम का। सपोज यहाँ पे क्लास टेस्ट है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, यहाँ पे प्रिंट कराया गया है। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे जैसे 10 और 20, ये हमारा क्या है, ये एक हमारा जो है नंबर है, ठीक है। फिर यहाँ पे 10 प्लस 20 कितना हो गया, ये हमारा हो गया 30। अब 30 के बाद हम लोग क्या करेंगे, 30 इज ट्रीटेड एज द स्ट्रिंग। अब यहाँ पे 30 जो है एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगा और कॉन्केटनेट हो करके यहाँ पे हेलो आ जाएगा, तो 30 हेलो आपका आंसर दिखेगा, ठीक है। एंड कॉन्केटनेटेड विद द स्ट्रिंग हेलो, देयरफॉर द आउटपुट विल बी 30 हेलो। और सेकंड केस में देखेंगे, जैसे यहाँ पे हेलो है, ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है 10 और 20 है, द स्ट्रिंग हेलो इज कॉन्केटनेटेड विद 10 टू बी द स्ट्रिंग हेलो 10 विच विल देन कॉन्केटनेटेड विद 20। तो यहाँ पे हेलो जो है 10 और 20 आपका आंसर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी दोस्तों आउटपुट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।